रणदीप हुड्डा के पास जब 3 साल तक नहीं था काम, भेज दी थी घर और गाड़ी, पैसों के लिए घोड़ा भी करने वाले थे कुर्बान। जी दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर रणदीप हुड्डा, जिनकी मूवी स्वतंत्र वीर सावरकर 22 मार्च को सिनेमाघर में रिलीज हुई है, इसी के प्रमोशन के दौरान उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जिसमें अपने स्ट्रगल के बारे में बात की। बताया कि कैसे 23 साल के करियर में एक वक्त ऐसा भी था जब उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, बिल्कुल काम नहीं था, मतलब सिंपल कहा जाए तो हवा खराब थी। अपनी पहली होम प्रोडक्शन फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर के साथ निर्देशन की दुनिया में कदम रखने वाले रणदीप हुड्डा ने कहा अपने करियर के बुरे दौर के बारे में बात की। ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे के साथ बातचीत में रणदीप हुड्डा ने आर्थिक संकट के बारे में बात की। बताया कि जब उनके पास कोई काम नहीं था तब वह इससे कैसे निपटे। रणदीप हुड्डा ने इंटरव्यू में अपने बुरे वक्त के बारे में बात करते हुए कहा, कई बार मेरे पास एकदम पैसे नहीं होते थे और मुझे नहीं पता होता था मैं आगे क्या करने जा रहा हूँ। मैं अपना घर, कार, माइक्रोवेव सब कुछ बेच दिया, लेकिन मैंने कभी अपने घोड़े नहीं बेचे। अपनी तनख्वाह बढ़ाओ, खर्चा कम करने से कुछ नहीं होगा। एक बार मैंने अपना घोड़ा रणजी कुछ पैसों में बेच दिया और लेकिन बाद में मैंने चेक लौटा दिया और अपना घोड़ा वापस ले लिया। रणदीप हुड्डा ने आगे बताया, मानसिक सहन शक्ति इस बात से आती है कि इसके अलावा और क्या है, क्या किया जा सकता है। द बैटल ऑफ सारागढ़ी जैसी फिल्मों के लिए जहां मैंने 3 साल तक के लिए पूरी सिख दाढ़ी बढ़ाई थी, गटका के लिए तैयारी की थी, वो फिल्में पूरी ही नहीं हुई। उन्होंने आगे कहा, वो समय मेरे लिए बहुत मायूसी भरा था, बिल्कुल ऐसा था जैसे मेरी जिंदगी आधी कट गई हो, क्योंकि मुझे उन फिल्मों को छोड़ना पड़ा। मैंने इसके लिए हॉलीवुड फिल्म एक्सट्रैक्शन को भी लगभग छोड़ ही दिया था, लेकिन फिर मैं गुरुद्वारे गया और सॉरी कहा, क्योंकि मैंने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में गुरु ग्रंथ साहिब पर प्रतिज्ञा ली थी कि सिखों ने इतने बलिदान दिए हैं, जब तक यह फिल्म अपने अंजाम तक नहीं पहुंच जाती मैं अपने बाल नहीं काटूंगा। रणदीप हुड्डा ने आगे बताया, फिर मैं आगे बढ़ गया। उसके बाद यह एक संघर्ष था क्योंकि 3 साल तक मेरे पास कोई काम नहीं था, मेरा वजन बढ़ गया था, तो फिर मैंने कहा ठीक है, एक समय में एक कदम आगे बढ़ाऊंगा। मेरे माता पिता परेशान थे, जब मैंने एक्सट्रैक्शन की तो मैं पूरी तरह से एक अलग ही जोन में चले गया था। फिर आपको अपने आप को खोजना पड़ता है, जिसके बाद मेरे माता पिता ने मुझसे ऐसी हरकत दोबारा न करने को कहा और वादा लिया। फिर मैंने वीर सावरकर की बायोपिक में से दोबारा किया। तो दोस्तों आइए जानते हैं रणदीप हुड्डा के डेब्यू के बारे में। रणदीप ने मीरा नायर की NRI कॉमेडी ड्रामा मॉनसून वेडिंग से स्क्रीन पर डेब्यू किया था। उनकी पहली हिंदी फिल्म विश्राम सावंत की डायरेक्टेड और रामगोपाल वर्मा की डी थी। स्वतंत्र वीर सावरकर 22 मार्च को रिलीज हो गई है। उत्कर्ष नेथानी के साथ लिखी और डायरेक्टेड इस मूवी में अंकिता लोखंडे भी नजर आ रही है। तो ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।